हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं उसराज से नए वीडियो के साथ आते हैं। कालेर लोकेशन दोस्ती ग्रेटर थाने में। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारा मेरा वीडियो देखा है दोस्ती ग्रेटर थाने का यहाँ पे, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला साइड विजिट के लिए और इंक्वायरी के लिए, क्योंकि मैंने जो सच बात बताया हूँ दोस्ती ग्रेटर थाने का, वही चीज़ मैं आपको क्लियर किया हुआ है। फेस वन का भी बताया दिया है और फेस टू का भी, लोकेशन कहाँ पे वो भी बताया है, मेट्रो स्टेशन कहाँ पे आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया। पूरा वीडियो में मैंने आपको पूरा शेयर किया गया है यहाँ पे। सो आप लोगों का वेरी थैंक यू मच, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और मुझे, मेरे जो टीम है उनको कॉल कर रहे हैं, मेरे कलीग को यहाँ पे, क्योंकि आपका जो रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। अभी दोस्ती ग्रेटर थाने में तो आपको पता है कि इट इज़ अ बिगेस्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट है इन कालेर लोकेशन के। यहाँ पे 125 एकड़ में पूरा लैंड पार्सल है, मैंने आपको बाहर एक वीडियो में बताया गया है यहाँ पे। बट आपके लिए एक ऐसा वीडियो है जो आपको पता है कि जो ब्रांड एम्बेसडर जो है अपने अनिल कपूर सर जी है, आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं जो मेरे YouTube चैनल्स पे वीडियोस मेरे को भेजे गए हैं, जो दोस्ती ग्रेटर थाने के थ्रू से जो टीम है उन्होंने मेरे को भेजा गया है कि आपके चैनल पे डालिए कि अनिल कपूर सर जी जो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये दोस्ती ग्रेटर थाने में। यहाँ पे ये मैं आपको ये वीडियो बताएं, तो पहले आप वीडियो देखेंगे फिर उसके बाद हम आपके सैंपल फ्लैट आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आपको सैंपल फ्लैट भी तो पता है, मेरे बहुत सारे वीडियो में दिखाया हूँ सैंपल, तो भी मैं आपको एक रिपीट दिखाऊंगा आपको सैंपल फ्लैट के। तो पहले जो अनिल कपूर सर जी है आपको क्या मैसेज दे रहे वो पहले आप सुन लीजिए। मुंबई एक शहर नहीं समंदर है बॉस, और समंदर का क्या है ना, तैरने घुसो तो लहरे ठपा ठप करके फेंक डालती है बाहर। जैसे एमिनिटी से भरा घर ढूंढने मार्केट में घुसो तो मार्केट कहती है सॉरी नो एंट्री। ये मुंबई है मेरी जान, यहां बजट में लग्जरी नहीं मिलती, तो क्या करें, हार मान ले? ना जी ना, मैं बताता हूं, एक डुबकी और लगाओ। दोस्ती ग्रेटर थाने आओ, यहां हो गई है बजट की लग्जरी से दोस्ती। मुंबई की 125 एकर्स की लग्जरी टाउनशिप, जहां मिले 1 BHK स्टार्टिंग एट 38.25 लाख और 2 BHK स्टार्टिंग एट 52.40 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइस, साथ में 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, क्रिकेट पिच, टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस एकेडमीज और 40 से भी ज्यादा लाइफ स्टाइल एमिनिटीज, ताकि आप जिंदगी जियो ग्रेटर। अब मुंबई में सिर्फ घर नहीं अपना लग्जरियस घर होगा दोस्ती ग्रेटर थाने, इससे ग्रेटर टाउनशिप नहीं। भाई अगर सपनों का घर वही खरीदना है जहां से पूरे मुंबई को कनेक्टिविटी, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, शोर भीड़ ट्रैफिक को गले लगाना पड़ेगा, नहीं सह नहीं है सब, शांति चाहिए तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, और बजट नहीं बढ़ सकता तो दूर जाना पड़ेगा, मुंबई से होना पड़ेगा डिसकनेक्टेड। हेलो कोई है? अरे कोई है? कोई है ना दोस्ती ग्रेटर थाने, यहां हो गई है सपनों की कनेक्टिविटी से दोस्ती। मुंबई की 125 एकर्स की लग्जरी टाउनशिप, जहां मिले 1 BHK स्टार्टिंग एट 38.25 लाख और 2 BHK स्टार्टिंग एट 52.40 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइस, और गेट पर मेट्रो स्टेशन, 20 मिनट में थाने स्टेशन, कुछ ही मिनटों पर मल्टी मॉडल कॉरिडोर, फ्रीवे, कोस्टल रोड और कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ पूरे शहर से कनेक्टिविटी, ताकि आप जिंदगी जियो ग्रेटर। अब ना दूर शहर रहेगा ना ही सपने, दोस्ती ग्रेटर थाने, इससे ग्रेटर टाउनशिप नहीं। अभी आपने ये देख लिया अनिल कपूर सर क्या बोल रहे हैं, हर चीज पे कनेक्टिविटी के हिसाब से बेस्ट है नियर बाय मुंबई के पास, यहाँ पे नियर बाय थाने के पास कालेर लोकेशन दोस्ती ग्रेटर थाने एकदम बेस्ट है आपके लिए। ये आप लोगों का मैसेज है, आपको ऐसा लग रहा है विजिट करना है देखना है प्रॉपर्टी, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए। मैसेज देने के बाद आपको तो समझ में आया होगा यहाँ पे, तो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्ती ग्रेटर थाने के अनिल कपूर सर जी यहाँ पे। अभी हम चलते हैं जो फ्लैट्स है 1 BHK 2 BHK
का आपको मैं फ्लैट दिखाता हूँ, जो 1 BHK के 3 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसके अंदर मेरे पास जो वीडियो है, 1-2 वीडियो है 1 BHK का एंड 2 BHK के 2 फ्लैट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी हम सैंपल फ्लैट देखते हैं। चलिए अभी हम आपको 1 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ जो 339 का आ जाता है, कारपेट एरिया आ जाता है। आप यहाँ पे आते हैं, एंट्रेंस करते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस करने के बाद आपको इस तरफ आप आते हैं तो ये आपका किचन आ जाता है। यहाँ पे ये किचन आ जाता है, ओपन किचन दिया हुआ है और ड्राई बालकनी दिया है, बहुत अच्छा ये ड्राई बालकनी दिया हुआ है, इतना स्पेस दिया हुआ है ड्राई बालकनी के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए ये मेन प्लेटफॉर्म आ जाता है किचन का, यहाँ पे 339 का कारपेट, यूजबल कारपेट आ जाता है यहाँ पे। और ये आपको किचन ओपन टाइप रखना है, ये ओपन टाइप ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे ये डाइनिंग स्पेस रखा हुआ है यहाँ पे इस तरफ। और यहाँ पे आते हैं ये पूरा अच्छा लिविंग रूम आ जाता है, इतना स्पेशियस लिविंग रूम दिया हुआ गया हुआ है यहाँ पे। और लिविंग रूम में आपको यहाँ पे बालकनी आ जाती है, ये देखा जाएंगे तो आपको एक स्टैंडिंग बालकनी आ जाती है यहाँ पे, नॉर्मली देखा जाएंगे तो एक फुट की आपको बालकनी आ जाती है यहाँ पे। एंड ये देखा जाएंगे तो इस तरफ आप आते हैं लिविंग रूम के जस्ट एग्जैक्टली इस तरफ ये है कि ये आपका बाथरूम आ जाता है यहाँ पे। इस तरफ आप आएंगे तो ये आपका बाथरूम आ गया यहाँ पे, ये बाथरूम दिया है, WC दिया हुआ है बाथरूम यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप आते हैं ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है, ये मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, बहुत अच्छा स्पेशियस दिया हुआ है 339 में, मतलब अफोर्डेबल फ्लैट्स में देखा जाएंगे तो एकदम बेस्ट दिया हुआ है, जिसका बजट कम है तो ये एकदम बेस्ट दिया है। मास्टर बेडरूम भी यहाँ पे दिया हुआ है और मास्टर बेडरूम यहाँ पे ये टॉयलेट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम आ गया, यहाँ पे कॉमन बाथरूम भी बहुत अच्छा स्पेस दिया है, कॉम्पैक्ट में दिया है बट एकदम स्पेशियस में दिया है, किधर भी वेस्टेज पैसेज नहीं हुआ है, वैसे यूटिलाइज किया है। यहाँ पे कबाट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको ये फ्रेंच विंडो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक 1 BHK में आपको 339 का आ जाता है यहाँ पे। अभी हम इसका दूसरा 1 BHK फ्लैट देखते हैं। अभी हम आ गए हैं दूसरे फ्लैट में जो 1 BHK दिया हुआ है, 385 का कारपेट दिया हुआ है, ये मेन एंट्रेंस आ जाता है आपका। यहाँ पे आप आते हैं इस तरफ आते हैं, ये पूरा लिविंग रूम आ जाता है यहाँ पे, ये पूरा लिविंग रूम आ जाता है, लिविंग रूम विथ आपको बालकनी आ जाती है, 4 फुट की बालकनी आ जाती है, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, बालकनी बहुत अच्छा स्पेस दिया है, 4 फुट की आपको बालकनी मिल जाती है यहाँ पे। और ये व्यू मिलेगा ऐसा, पूरा ओपन व्यू मिलेगा ऐसा दिखाया गया हुआ है यहाँ पे। और ये इस तरफ ये लिविंग रूम में ऐसा है कि लिविंग रूम के स्पेसेस दिया हुआ है, जो मैं पहले आपको 1 BHK जो कारपेट दिखाया है उसके बड़े कारपेट में आ जाता है ये आपका। और यहाँ पे आप देखा जाएंगे तो ये आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है यहाँ पे, ये डाइनिंग स्पेस रखा हुआ है यहाँ पे। और लिविंग रूम बहुत अच्छा स्पेसेस दिया हुआ है, वहाँ पे सोफा रख सकते हो आप इस तरफ, एंड स्पेसेस ऐसा दिया है ना कि आपको कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा लिविंग रूम में, ये जो 385 का जो कारपेट दिया है ना एकदम कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप आते हैं इस तरफ आते हैं, ये आपका बाथरूम आ जाता है यहाँ पे, इस तरफ ये आपका बाथरूम आ जाएगा, ये बाथरूम दिया है, इसमें आपको बाथरूम में आपको WC दिया गया है, वॉश बेसिन दिया गया है यहाँ पे इस तरफ। एंड यहाँ पे आप आते हैं ये आपका किचन आ जाता है, किचन में आपको एल शेप दिया गया है यहाँ पे, ये किचन एल शेप दिया है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, यहाँ पे इस तरफ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, वैसे एक लेआउट बनाया गया हुआ है यहाँ पे, ये किचन आ गया आपका। एंड यहाँ पे आप आते हैं ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है, मास्टर बेडरूम आपको देखा जाएगा तो बेडरूम बहुत अच्छा स्पेसेस दिया हुआ है, बेडरूम बहुत अच्छा स्पेस करके दिया है, बट इसको है कि बालकनी नहीं दिया है बट आपको फ्रेंच विंडो मिल जाता है यहाँ पे। तो ये बेडरूम बहुत अच्छा स्पेस दिया है, यहाँ पे आप वार्डरोब पैसेज कर सकते हैं, ये कबाड़ बना सकते हैं ऐसे यहाँ पे। तो इसमें मास्टर बेडरूम में इतना कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा है बट इतना स्पेसेस बहुत अच्छा दिख रहा है, 385 में अच्छा बनाया गया हुआ है। एंड इस तरफ आप आते हैं ये आपका मास्टर बेडरूम का, यहाँ पे आपको ना WC अटैच नहीं है, यहाँ पे आपको शावर मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे शावर और वॉश बेसिन करके मिल जाता है आपका मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ पे। ये 385 का कारपेट दिया गया है यहाँ पे और स्पेसेस दिया है, मुझे तो ये 1 BHK बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये 385 कारपेट में बहुत अच्छा बनाया गया हुआ है और स्पेसेस बनाया गया हुआ है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं आपको 2 BHK के फ्लैट तरफ दिखाते हैं, और 2 BHK में इसमें अपने पास 2 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, 2 BHK देखते हैं। अभी मैं लेके आया हूँ आपको 2 BHK का, जो 2 BHK बड़ा वाला कारपेट है, 552 का कारपेट दिया है, यूजबल कारपेट दिया है बट स्पेसेस दिया हुआ है। और ये जो फ्लैट देखा जाएंगे तो एकदम रॉ फ्लैट है, फर्नीचर फ्लैट नहीं है, शो फ्लैट नहीं है, रॉ फ्लैट है, जैसे है आपको वैसा मिलेगा आपको जो 2 BHK में। तो आपको यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, तो एंट्रेंस करने के बाद यहाँ पे आप आते हैं, ये आपका लिविंग रूम आ जाता है, इतना बड़ा स्पेसेस देखा जाएंगे तो ये आपका लिविंग रूम आ जाता है विथ बालकनी आ जाती है, 3 फुट की आपको बालकनी मिल जाता है यहाँ पे। तो लिविंग रूम स्पेसेस दिया है आपको ऐसा, पूरा यहाँ पे फायर
का जो एक्सटेंशन लगा है, जो फायर जो है आपको ऐसा मिलेगा, आपके फ्लैट के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको आप कवर कर सकते हैं। फॉल सीलिंग करा किया जाएंगे तो आप कवर कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली रॉ फ्लैट है आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये लिविंग रूम, यहाँ पे आप आते हैं, ये आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम आ गया, ये आपका मास्टर बेडरूम आ गया। मास्टर बेडरूम में देखा जाएंगे तो बहुत अच्छा स्पेसेस दिया हुआ है यहाँ पे मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे साइज लिखा है, देखिए 9.6x12 का आपको ये मिल जाता है मास्टर बेडरूम मिल जाता है यहाँ पे। एंड इस तरफ आप आते हैं, ये आपका यहाँ पे कॉमन वॉशरूम आ जाता है, ये कॉमन बाथरूम आ गया। यहाँ पे WC आपको शावर दोनों अटैच मिल जाता है। ये आपका मास्टर बेडरूम में आ गया यहाँ पे इस तरफ। और यहाँ पे आप आते हैं, इस तरफ आप आएंगे, ये पैसेज एरिया आ जाता है यहाँ पे, ये पैसेज एरिया आ गया यहाँ पे। और ये आपका कॉमन बाथरूम बाहर के साइड आ गया, ये कॉमन बाथरूम आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी शॉवर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साइजेस सब लिखे हुए हैं, 6.9x4 का साइजेस लिखे हैं। आप जब विजिट करेंगे, जब भी देखेंगे आप, तो आपको साइजेस पता चल जाएगा कितना सा बाइक कितना साइजेस का है। एंड इस तरफ आते हैं, ये आपका किचन आ जाता है। किचन में देखा जाएंगे तो आपको यह प्लेटफॉर्म, आपको सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे इसके अंदर। और ये स्पेसेस दिया हुआ है, इतना स्पेसेस किचन के लिए बहुत अच्छा स्पेसेस दिया है, क्योंकि दोनों साइड प्लेटफॉर्म करते थे ना तो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता था, बट ये सिंगल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, बहुत अच्छा स्पेस दिया है। बट इसका भी साइज आपको 6.9x8.10 का आ जाता है आपको। ये किचन आ गया है आपको यहाँ पे, ये पूरा रॉ फ्लैट है। एंड इस तरफ आते हैं, ये आपका सेकेंड बेडरूम आ गया, ये कॉमन बेडरूम आ गया है आपका यहाँ पे, ये कॉमन बेडरूम आ गया यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा स्पेसेस दिया गया हुआ है यहाँ पे। इसका जो साइज देखा जाएगा तो यहाँ पे भी साइज लिखा है 9x12 का आपका बेडरूम आ जाता है, सेकंड बेडरूम आ जाता है यहाँ पे। आपको जो व्यूज ऐसे दिखेंगे, व्यूज मिल जाएंगे, जो टावर में आप लेंगे तो वैसे व्यू मिलेंगे आपको। ये आपको बनाया गया हुआ है यहाँ पे, ये रॉ फ्लैट है। ये सबसे बड़ा वाला कार्पेट है, 552 का कार्पेट आ जाता है। अभी मैं आ गया हूँ दूसरे जो छोटा वाला 2BHK है, 452 का कार्पेट आ जाता है, यूजेबल कार्पेट आ जाता है। यूजेबल मतलब आपको रेरा कार्पेट ही मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर आपको बालकनी नहीं आ रही है यहाँ पे, इसलिए आपको रेरा कार्पेट ही मिलता है 452 का यहाँ पे। आपने ये एंट्रेंस किया, ये डोर आ गया, मेन एंट्रेंस डोर आ गया यहाँ पे। अंदर की तरफ आप आते हैं, ये आपका लिविंग रूम आ जाता है यहाँ पे। लिविंग रूम में आ गया यहाँ पे, लिविंग रूम यहाँ पे सिटिंग एरिया दिया गया है यहाँ पे, आपको ऐसा पूरा ओपन व्यू मिल जाता है इस तरफ। एंड यहाँ पे डाइनिंग स्पेस रखा हुआ है, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस आ जाता है यहाँ पे। ये लिविंग रूम कंजेस्टेड नहीं है, वेस्टेड पैसेज नहीं गया है, क्योंकि देखा जाएंगे तो लिविंग रूम के जस्ट यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम आ जाता है, यहाँ पे आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम आ जाता है। ये मास्टर बेडरूम आ गया पूरा। मास्टर बेडरूम में भी कॉम्पैक्ट नहीं लगेगा आपको, इतना स्पेस छोड़ा हुआ गया है। यहाँ पे विंडो आ जाता है इस तरफ, और यहाँ पे आपका बेल्ट आ जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप कबाड पैसेज भी बना सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे कबाड बना सकते हैं, ऐसे तो ओपन रखा हुआ है इन्होंने, बट ऐसे आप कबाड पैसेज बना सकते हैं यहाँ पे। इस तरफ आते हैं, ये आपका बाथरूम आ गया, मास्टर बेडरूम का बाथरूम आ जाता है। दोनों आ जाता है, शावर दोनों मिल जाता है यहाँ पे, वॉश बेसिन मिल जाता है। ये आपको आपको बाथरूम आ गया आपका मास्टर बेडरूम का, ये मास्टर बेडरूम आ गया। और इस तरफ आते हैं, लिविंग रूम से आप बाहर निकलते हैं, स्ट्रेट आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम और बाथरूम मिल जाता है। ये कॉमन बाथरूम दिया है, इसमें भी शावर टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन दिया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप आते हैं, इस तरफ से टर्न मारते हैं तो आप इस तरफ आएंगे तो किचन आ जाता है आपका। ये किचन आ गया, मतलब 452 का आपका रेरा कारपेट ही आता है, यूजबल कारपेट नहीं आता है। तो ये आपका किचन आ गया यहाँ पे। किचन में आपको यहाँ पे वॉश बेसिन दिया है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं। जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहता है उसके लिए अच्छा है यहाँ पे। ये आ जाता है, किचन आ गया आपका। एंड यहाँ पे आते हैं, ये आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है, कॉमन बेडरूम आ जाता है। कॉमन बेडरूम भी बहुत अच्छा स्पेसेस दिया हुआ है, मतलब 452 में आपको ना जो कारपेट है रेरा कारपेट है, मतलब वेस्टेड पैसेज किधर नहीं गया। आसानी में आपको बताया कि पैसेज आ गया 452 में, बहुत अच्छा है ये कारपेट है। जो 1BHK में आप जा रहे थे, थोड़ा सा और बजट बढ़ाएंगे ना तो आपको ये 2BHK 452 में जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे ये दिया गया है बेडरूम, और यहाँ पे आप वॉर्डरोब पैसेज कर सकते हैं। ये वॉर्डरोब पैसेज दिया है यहाँ पे, कबाड आ जाता है यहाँ पे इस तरफ। एंड यहाँ पे आपका विंडो आ गया इस तरफ, ये विंडो आ जाता है यहाँ पे, मतलब स्पेसेस दिया है, इतना कॉम्पैक्ट नहीं दिया है। अभी मैंने आपको पूरा सैंपल फ्लैट दिखा दिया, ये 1BHK 2BHK प्राइसिंग मैंने आपको बताया रहा कि ये मैंने प्राइसिंग जो बताया हुआ है वो अच्छे से निगोशिएट है। मैंने लास्ट वीडियो में ही पोस्ट किया था लास्ट वीक में,
कि जो हमारे प्रॉपर्टी जोन की तरफ से आप आ रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफर लेके मैंने रखा हुआ है प्राइसिंग रेट के ऊपर। जो प्राइसिंग रेट में आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा करके दूंगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट हो रहा है। तो आप डायरेक्टली आइए, कांटेक्ट करके आइए साइट विजिट के लिए। लोकेशन पे मत जाइए क्योंकि आप जाएंगे डायरेक्टली सेल्स ऑफिस में तो रेट बढ़ा चढ़ा के आपको बताया जाएगा, फिर आप तो थोड़ा सा जरा बजट आउट ऑफ चले जाएगा। तो क्योंकि मैंने जो रेट और प्राइसिंग लेके रखा हुआ है, मेरी टीम ने लेकर रखा हुआ आपको बेनिफिट करने के लिए यहाँ पे, तो आप आइए। दोस्ती ग्रेटर थाने में एकदम बेस्ट है आपको प्रोजेक्ट, ये सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग में आ रहा है, विद ऑल एमिनिटीज के साथ आ रहा है यहाँ पे। सो आपको विजिट करना है, देखना है प्रॉपर्टी, लोकेशन देखना है, नियर बाय थाने, नियर बाय मुंबई के पास, ये जो दोस्ती ग्रेटर थाने में अफोर्डेबल प्राइसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग में लेके आया हुआ है। सो आपको इंटरेस्ट रहेगा तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिए साइट विजिट के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका बन जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोट में सबसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।